कल भी ये प्रश्न आप लोगों ने पूछा था पत्रकार वार्ता में, कल भी मैंने इस बात को कहा था कि सरकार प्रतिबद्ध है आरक्षण 76% लागू करने के लिए। 76% में 32% ट्राइबल आबादी के लिए, 13% अनुसूचित जाति के लिए और 27% ओबीसी के लिए। जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार भी एसटी एससी वर्ग को उनके आबादी का अनुपात सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी वर्ग के लिए जो पहले 14% मिलता था उसको बढ़ा के 27% किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इजाज़त दी है कि अन्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आरक्षित वर्ग के अन्य लोगों के लिए 10% तक आरक्षण किया जाए, उसमें भी 4% का आरक्षण है। तो सरकार इस बात पे सहमत नहीं है कि जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर आप नौकरी देते हैं तो ट्राइबल समाज को केवल 20% नौकरी मिले, इसके लिए सरकार सहमत नहीं है, और ओबीसी को 14% मिलेगा, हालांकि वो 14 है, और एससी समाज को उनकी आबादी जो छत्तीसगढ़ में है उनसे ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो भी उस हद तक व्यावहारिक नहीं है। मध्य प्रदेश की आबादी के अनुसार ये नियम बने हुए हैं। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार ने जो नियम बनाए थे उनको हाईकोर्ट ने फैसले से रद्द कर दिया है। ये कारण है कि सरकार 20% ट्राइबल को नौकरी में आरक्षण दे के भर्ती करने पर सहमत नहीं है, और गवर्नर जो हैं ये अड़ियल रुख अपना रखे हैं। ये मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रभाव में दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो इनको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं, और पुराने गवर्नर मैडम ने भी दस्तखत नहीं किए थे और नए गवर्नर हैं वो भी इस पे बैठे हुए हैं। ये अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसमें कहीं भी संविधान की उस धारा में, शायद कल 200 का उल्लेख आप लोगों ने किया था, ये नहीं लिखा है कि गवर्नर अनिश्चितकालीन कर सकते हैं, बल्कि ये लिखा है कि दोबारा अगर गवर्नर हाउस को इनकार करके भेजते हैं और हाउस वहाँ से फिर से उसको पास करके गवर्नर के पास भेजता है तो 2 महीने के अंदर गवर्नर उस निर्णय को लेने के लिए बाध्य हैं। जब 2 महीने की सीमा है तो संविधान की मंशा ये है कि गवर्नर सर्वोपरि नहीं है, जनता के द्वारा चुने गए लोग वो सर्वोपरि हैं, और उनका फैसला कानून बनाने के लिए जो विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में पारित होता है, गवर्नर या प्रेसिडेंट उसको बाधित नहीं कर सकते, उसमें वीटो नहीं लगा सकते, कहीं वीटो का प्रावधान नहीं है। आज क्योंकि समय सीमा पहली बार जब बिल आता है उसमें नहीं लिखी है, तो गवर्नर उस बात का जो उल्लेख नहीं किया गया है उसका लाभ लेके एक, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक रुख अख्तियार कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार ने जो एक बड़ा फैसला लिया जिसमें आरक्षण उन्होंने एसटी एससी वर्ग का आबादी के अनुपात रखा और ओबीसी वर्ग का 14 से बढ़ा के 27% किया, अनारक्षित वर्ग को भी पहली बार उन्होंने आरक्षण प्रदान किया, उसमें गवर्नर बाधा बन रहे हैं। ये पूरी तरह से मेरे जानकारी में, मेरे समझ में गैर संवैधानिक है। संविधान के प्रावधान यदि साइलेंट हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि उनका ऐसा उपयोग किया जाए कि कानून बनाने का अधिकार जिस सदन को है उसके कार्य को ही आप रोक दें। आप अनिश्चितकाल के लिए बिल पे नहीं बैठ सकते। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जैसा कि आपने बाबा का संदेश पढ़ लिया होगा कि सरकार 50% आरक्षण पर राजी नहीं है। पहले ऐसा लगता था कि सरकार के जो वक्तव्य थे, जो मंत्रियों के वक्तव्य थे, और जाहिर सी बात है जो सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन निकला वो इस बात का जो उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण नहीं है, तो इस वजह से वो 0% आरक्षण पर निकला। इसी कड़ी में अब जो नारी की सरकार को मालूम है कि 50% आरक्षण तो छत्तीसगढ़ में लागू है, जो कि मध्य प्रदेश के 1993 के आरक्षण नियम के तहत है, परंतु सरकार का ये कहना है कि 50% आरक्षण नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा एसटी वर्ग को, जिनका आरक्षण 32% से गिर के 20% हो जाएगा। इस वजह से सरकार बोलती है कि किसी भी जो वर्ग है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से 50% आरक्षण पर भर्ती नहीं निकल रही है। ये जाहिर सी बात है, 19 सितंबर को जैसे ही हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 58% आरक्षण असंवैधानिक है, उसी तरह वहीं पे आपको जो अगर वैकेंसी निकलना होता तो वही निकल जाता, क्योंकि उसके अगले ही दिन 50% आरक्षण लागू हो चुका था छत्तीसगढ़ में ऑटोमेटिकली। लेकिन
अब बात यह है कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार को वैकेंसियां नहीं निकालनी, अगर निकालनी थी तो वो 50% आरक्षण पर उसी समय निकाल सकती थी, परंतु अभी तक नहीं निकाली। इससे साफ जाहिर हो रहा है और कहीं ना कहीं अब इस बात पर कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों को जो मालूम है कि अब सरकार को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू है। अब अभ्यर्थी जो कि 9 अप्रैल को जो आंदोलन कर रहे हैं, अब उसका जो दबाव है वो सरकार पर कितना रहता है ये देखने वाली बात है। जिस प्रकार से जो डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष है वो बार बार कहते हैं कि संख्या बल के आधार पर ही आप सरकार को झुका सकते हैं। आप डीएड बीएड संघ अध्यक्ष के जो उनका वीडियो है, बार बार क्लिप आप देखिएगा उनका, वो अपने फेसबुक पे लाइव आते हैं और तरह तरह के सोशल मीडिया पे उनका प्रचार हो रहा है उस ग्रुप में कि 9 अप्रैल को जो बेरोजगार संघ है या बोल सकते डीएड बीएड संघ है वो हल्ला बोलेंगे और उनकी एक ही मांग रहेगी कि जाहिर सी बात है भर्तियों का जो रोका गया है उसको जारी करें। अब इस पर सरकार क्या करती है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और जाहिर सी बात है भर्तियाँ निकालना, या तो इनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच जाएगा, या तो 0% आरक्षण पर भर्ती या तो 50% आरक्षण पर भर्ती। और एक तरफ जहां पे 5 अप्रैल को सीएफ का फिर सुनवाई है या किसी केस का आरक्षण से संबंधित सुनवाई है, अगर कुछ फैसला आ सकता है पॉजिटिव चीज़ तो हो सकता है फिर सरकार मजबूरी में पड़ जाए कि हाँ भाई अब भर्ती करना ही पड़ेगा। तो अब देखने वाली बात है कि क्या होता है आगे, क्या चीज़ है। फिलहाल इस सभी पर आप नज़र बनाए, हम भी नज़र बनाए रखे हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। जैसे हमारे चौराम भाई, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष कहादरी से आरक्षण के मामला, आरक्षण पहली बार ऐसे हुए कि पहले 58% रही से 2012 में शुरू करी, हाई कोर्ट में केस चला रही से अगर फैसला आगे वो निरस्त कर दी। पुराना जिन मध्य प्रदेश के समय जन आरक्षण है तिन अब कार्यशील हो गए, होकर गाने से बहुत अगर नुकसान हो। कौन से कोर्सेज हैं सीजीपीएससी में, स्टेट सर्विस एग्जाम में, आरक्षण को ले क्वालिफाई किसको करें? पहले जो व्यवस्था थी वो मेरे ख्याल से 32, 12, 14 की थी, 32 ST, 12 SC, 14 OBC। हाई कोर्ट का जो फैसला आ गया उन्होंने रमन सिंह जी के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें 32, 12, 14 का प्रावधान था, उसमें 58% हो रहा था। उन्होंने कहा 58% 50% से ज़्यादा है तो वो लागू नहीं होगा। तो 50% में हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आरक्षण सीमित हो गया और जो नियम है वो मध्य प्रदेश का लागू हो गया। मध्य प्रदेश की आबादी में 16% 20% ट्राइबल हैं, 16% SC हैं और 14% OBC हैं। तो 20, 16 और 14 ये 50% होता है। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के जो आरक्षण की नीति थी वो लागू हो गई। जैसे राज बना तो मध्य प्रदेश के नियम छत्तीसगढ़ के पास आ गए, रमन सिंह सरकार ने उसको बदला था, उसको हाई कोर्ट ने पलट दिया। तो आज क्या लागू हो गया? मध्य प्रदेश की आबादी के हिसाब से, जो कि गलत है, 32% ट्राइबल हैं, आरक्षण कितनों को मिलेगा? 20%। तो सरकार उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? लेकिन को कोर्ट डायरेक्शन के लिए गए ना, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण के नियम है 50% के अंदर वही लागू होगा। वो तो